हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फ्रेश होंगे, चकाचक होंगे। और आज की वीडियो में कुछ खास तो नहीं है आपके लिए, तो शायद मे भी ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही खास है। आज हम आपको प्रकृति से मिलवाएंगे, जो कि हमारे आसपास, मेरे घर के आसपास हमेशा ही बनी रहती है। तो मैं आपको वो चीज़ें आज दिखलाती हूँ। तो पहले, सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ अपने खुशू से। ये खरगोश बहुत ही बड़ा है। सबसे पहले ये हमारे यहाँ पर आया था, इसके बाद बहुत सारे खरगोश आए। इसको कम से कम ये 8 साल का हो गया है। सोच लो, इतना तो खरगोश जीता भी नहीं है। और ये है एक बत्तख, जो कि हम लेके नहीं आए थे। हमारा पुच्चू, जो हमारा डॉगी है, वो इसको बचा के लेके आया था। ये सड़क पे गिरा हुआ था। तो और ये है हमारे दरवाजे के, मतलब गेट के पास का व्यू। और जो हमारे, मतलब जो दूरा बोलते हैं दरवाजे के आगे जो स्पेस होता है, उसको हमारे वहाँ पे मिट्टी वगैरह डलवा रहे हैं JCP से। तो मैं वही रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना पेड़ पौधे बहुत हैं और वहाँ पे बहुत शोर हो रहा था। और आगे ना जाने के लिए मना किया था उन्होंने, कि मतलब अभी यहाँ पे काम हो रहा था ना, तो हम वहाँ पे जा नहीं सकते थे। तो इसके लिए आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा बहुत कि वो मिट्टी डाल रहे हैं, तो वो वाली चीज़ मेरे को दिखानी थी। और ना हमारे घर पे भी, वहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए रहते हैं शुरू से ही, इसलिए मेरे को बहुत पसंद है पेड़ पौधे लगाना। तो मैं यहाँ भी लगा के रखती हूँ और छत पे भी लगा के रखती हूँ। और ये देखिए, बारिश के बाद ये जो पुच्चू है, जो हमारा डॉगी है, उसके ढेर सारे दोस्त लोग हैं। ये जो हरा हरा खेत दिखाई दे रहा है, ये धान का जो बीहन जो छींटते हैं, जो बोते हैं, वो है। उस वक्त तक खूबसूरत दिखाई दे रहा है यार। गांव में भी बहुत सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत होती है ना, कि कभी कभी उस चीज़ों के बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। और यह है जो ब्लैक वाइट वाला है, वो पुच्चू है। तो मेरी छोटी बहन लेके आई थी, आज से 4 साल पहले लेके आई थी इसको, और तब से ये हमारे यहाँ पे भी है, यहीं पे है। और बस इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो ये तो खाता पीता ही रहता है, बाकी इसके फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं। ये देखिए, खेत में सब बैठे हुए हैं, अपना खाना सब इन्हीं लोग को खिलवाता है। और एक दो इसमें ऐसे भी डॉग है, जो जिनको ना हमारा घर रोड पे है, तो उनका एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तो उनको भी हमने ठीक किया है, मतलब कि वो ठीक का किया है, उनको दवाई वगैरह थोड़ी बहुत दिला दी और खाना वाना एक दो दिन दे दिया। तो फिर ये फिर नहीं जाते हैं, यहीं रह जाते हैं। तो वही वाली चीज़ है, वो यहाँ पे ही रह गए हैं। और यहाँ पे हमारा अमरूद का पेड़ है, और ये भिंडी का पेड़ है, और सारा घास काटने वाला मशीन वगैरह है। गाँव में ये सारी चीज़ें तो रहती ही है। और यहीं से दरवाजे के पास से हमने ये चीज़ें की है, बगल का ही ये खेत है। तो पुच्चू आराम से बैठा हुआ है, और ये इनके फ्रेंड्स वगैरह भी आराम से बैठे हुए। इसने बहुत सारे दोस्त इकट्ठा कर लिए हैं, और मैंने बताया भी था कि 2-3 तो हमारे वजह से ही रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने, और ये जो ब्लैक वाला है ना, इसका पूंछ कट गया था, ये बहुत बेचारा परेशान था, फिर इसको भी ठीक करवाया था। और अब ये भी नहीं जाता है, ये भी यही रहता है आसपास। और ना ये लोग घर पे रहते, तो चिड़िया वगैरह हमारे घर में बहुत सारे हैं, चिड़िया, खरगोश, ये सारी, इन लोगों को ये नहीं खाते हैं सबसे मेनली ये चीज़ ना। जानवर बिल्कुल प्यार के भूखे होते हैं, तो इनको ये नहीं खाते हैं। ये देखो हरियाणा की खेती कैसे होती है। देखो ट्रैक्टर चल रहा है, और जो कि यहाँ पे एक खेती बहुत बड़ा बड़ा होता है। अब इसमें धान बोया जाएगा, और इधर ये जेटेक प्लांट, जो कि जेटेक कंपनी है, और यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। दूध दही का खाना हमारा देश हरियाणा, इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े खेत होते हैं। दूध दही का खाना हमारा देश हरियाणा, इसलिए हरियाणा वाले बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, अच्छी खेती होती है।
ओके, फिर नेक्स्ट दिखाएंगे आपको न्यू ब्लॉग में। आपने देखा कि वो बत्तख था हमारा, तो मैंने वहाँ पे साउंड इसलिए वो किया कि आप उसकी आवाज़ सुन लोगे। तो काफ़ी अच्छा बोलता रहता है, दिन भर बहुत ज़्यादा ही बोलता रहता है, बहुत शैतानी करता है। और ये हमारा अड़हुल का फूल जो कि नवरात्रि में बहुत ही ज़्यादा काम आता है और बहुत ही ज़्यादा सब ढूंढ ढूंढ के ले जाते हैं, क्योंकि ये माता रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके लिए हमने ये वाली भी एक पेड़ लगा के रख रखा है। और ये है हमारा, ये हमारे घर के सामने का ही मैंने आपको बताया था, ये हमारा घर है। तो पेड़ पौधे हम लोगों को बचपन से ही बहुत पसंद है। ये गाय है, गाय का घर है, जो घर के आगे बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो एक साइड में गाय का वो वगैरह, मतलब गाय का घर वगैरह बना दिया गया है। और ये बिल्कुल आम का पेड़ है जिसके नीचे ये खटिया रखा हुआ है, वहाँ पर हम लोग बैठते हैं जब अच्छा मौसम करता है तो, और शाम को और रात को, तो वो चीज़ें हैं। और ये देखो, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी कि बरसात के दिनों में ना पॉल वगैरह और तार वगैरह के नीचे बिल्कुल आराम से और कभी आना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे एक गाय माता को लग गया था करंट, शायद इसका तार वार गिर गया है। ये देखिए कितनी कितना ज़्यादा इसमें से वो निकल रहा है, आग निकल रहा है, बहुत देर तक आग निकल रहा था और बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए कैसे कैसे लहर रहा है और सब लोग देख रहे थे, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ, कोई कुछ कर नहीं रहा था। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें दिखती है नॉर्मली, तो आप वहाँ से एक तो पहले हट जाएं, और दूसरी बात की उसको ठीक करने के लिए जो भी, जैसे भी वो ठीक होता हो, उसके लिए आपको जाना चाहिए। ये नहीं कि बस अपना ऐसे ही चल। और इतना ही था मेरे पास, तो और कोई चीज़ खास चीज़ नहीं थी। और ये है हमारे छत के ऊपर का गार्डन। पहले मेरे पास गमले नहीं थे, तो मैंने बहुत एक एक करके गमले लगाए, और मैं बहुत सारी सारे प्लांट्स घर से ही लेके आ जाती हूँ। और ये सारी चीज़ प्लांट्स, ये जो पेट्रोला का प्लांट है वो ना मेरे को एक छोटा सा ही मिला था, और बस तीन गमले मैंने नीचे भी रखा हुआ है। ये देखिए अभी हुई है बारिश जम के, और इसके बाद सारा न्यू सब प्लांट्स हो गया और दे आ रही है। लेकिन मैं फिर भी, अब मेरा मन नहीं भरता है इन लोगों को देख देख के ना, तो मैं देखती रहती हूँ इनको। और बहुत सारे प्लांट्स मैंने की हुई है और दूसरे पोट्स वगैरह में रखा हुआ है, तो इसके लिए भी ये है सीस का पत्ता जो कि खांसी वगैरह में भी काम आता है, तुलसी वगैरह। और ये है गिलोय, और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ज़्यादा तेज। और मैं भीग भी गई हूँ बारिश में, क्योंकि ना बहुत सारे कपड़े वगैरह लेने थे और अभी ज़ोर ज़ोर से बारिश। देखिए हमारा गार्डन कितना खुश है कि यहाँ पर बारिश आ रही है। और मैंने सीढ़ियों पर भी लगा रखा है प्लांट्स। मैंने बहुत सारी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँ, अच्छी जानकारी दूँ, और आपका अच्छे से एंटरटेनमेंट हो, आपको कुछ जानने मिले। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपनी बहन को ढेर सारा प्यार देना। और अभी बारिश कभी आ रही है, कभी गर्मी हो रही है, तो तबीयत वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो पेड़ पौधे के टच में रहिएगा और ढेर सारा पानी पीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और अपनी बहन का भी ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं कहीं भी जाऊँ आम के दिनों में और आम ना लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बेशक कुछ मत लो, बट आम लो। और अभी भी मौसम इतना अच्छा नहीं हुआ है कि देख लीजिए,
हवा वगैरह चल रही है अभी भी, और सब कुछ ऐसा ही है।